सूर्यनगरी जोधपुर में यातायात नियमों की पालना करवाना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। एक चालक उसकी बात को अनसुना करते हुए कार को भगा ले गया। इससे पुलिसकर्मी कार के बोनट पर गिर गया, लेकिन चालक फिर भी नहीं रुका और कार को करीब 500 मीटर की दूरी तक भगाता रहा। उसके बाद सड़क से गुजर रहे दो मोटरसाइकिल चालकों ने कार के आगे अपनी बाइक्स लगाकर उसे रोका और पुलिसकर्मी की जान बचाई। यह पूरा वाक्या वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कार चालक गजेंद्र सालेचा के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार मामला जोधपुर के देवनगर थाना इलाके का है। वहां रविवार को पाल लिंक रोड पर स्थित एक स्कूल के सामने ट्रैफिक पुलिस का सिपाही गोपाल बिश्नोई ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान सामने से एक कार आई। कार चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। इस पर सिपाही गोपाल बिश्नोई ने उसे रुकने का इशारा किया। कार चालक युवक गजेंद्र सालेचा ने पहले तो कार रोक कर पुलिसकर्मी गोपाल बिश्नोई से बहस की, बाद में भागने का प्रयास भी किया। इससे कार के आगे खड़ा गोपाल बिश्नोई टक्कर लगने से उसके बोनट पर गिर गया। इसके बावजूद दुस्साहसी युवक ने ध्यान नहीं दिया और कार को भगाता रहा। यह देखकर सिपाही कार के वाइपर को पकड़कर बोनट से चिपक गया। फिर भी चालक ने कोई परवाह नहीं की और कार को भगाता रहा। घटना के बाद देवनगर थाना अधिकारी जयकिशन मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार चालक गजेंद्र सालेचा के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। राजस्थान में पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती है। गनीमत यह रही है कि अभी तक इस तरह की घटनाओं से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।